गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव कम्प्लीटेड लेसन नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया हाफ पार्ट, राइट? सो द रिमेनिंग पार्ट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. सो वन बाय वन वी विल सी ईच टॉपिक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. ओके, लेट्स बिगिन. ओके, आवर फर्स्ट टॉपिक इज पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. So what happened when Indian National Congress was formed, this Britisher gave initial support. मतलब starting में British government ने Indian National Congress को support किया, but then it turned into hostility. Hostility मतलब unfriendly behavior या oppose करना किसी चीज़ को. Okay? सो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूजुअली इनिशियल सेशंस तो अटेंड करते थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट लेटर व्हाट हैपेंड, दिस गवर्नमेंट बैंड द प्रैक्टिस. मतलब वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस अटेंड करते थे वो अटेंड करना उन्होंने स्टॉप कर लिया. एंड द गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन took certain steps against the interest of the national integrity and ignored the opinion of Indians. तो इंडियंस की ओपिनियन को इग्नोर कर मतलब इम्पोर्टेंस ना देकर उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए जो हमारी नेशनल इंटीग्रिटी यूनिटी के अगेंस्ट थी. ओके, एंड उसका रिजल्ट क्या था कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया, ही एक्चुअली पार्टीशन बंगाल इन 1905 CE एज अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी डिवाइड एंड रूल. तो मतलब डिवाइड करो उसके बाद रूल करो, वो जो उनका पॉलिसी था उसके अंडर उन्होंने बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्टीशन कर दिया इन द ईयर 1905, जो नेशनल यूनिटी नेशनल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट था. ओके, नाउ वी विल सी इन डेप्थ व्हाट इज एक्चुअली हाउ बंगाल वाज पार्टीशन एंड व्हाट वाज इट्स इफेक्ट. सो बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया. तो जो ब्रिटिशर्स का जो बिगेस्ट प्रोविजन, जो बिगेस्ट जो एरिया था वो था बंगाल. तो उसमें कुछ पार्ट्स थे बिहार और उड़ीसा के भी बंगाल में इंक्लूडेड, जो टोटल बनाता है कुछ 7 करोड़ 80 लाख पीपल्स का. तो उन लोगों को नेसेसरी लगा कि बंगाल को डिवाइड करना पड़ेगा, अगर डिवाइड नहीं करते तो वो इतने बड़े प्रोविजन, इतने बड़े क्राउड को वो हैंडल नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेट करना डिफ़िकल्ट है. सो फॉर दिस दे डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल. पर अगर उन्हें बंगाल को पार्टीशन करना था, डिवाइड करना था, तो ईजी इट वुड बी ईजियर फॉर देम बाय डिवाइडिंग सम पार्ट्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा. जो बिहार और उड़ीसा के कुछ पार्ट बंगाल में इंक्लूडेड थे, दे कैन रिमूव दैट. बट वॉट डिड दे डिड, दे डिड ईस्टर्न बंगाल. ईस्टर्न बंगाल जो है, जो एक इनमोस्ट एक्टिव प्रोविजन था, उसकी उधर मेजॉरिटी किसकी थी, मुस्लिम्स की. तो उस पॉपुलेशन को बंगाल से सेपरेट किया, जो हमारे नेशनल एक्टिविस्ट्स को पसंद नहीं आया, बिकॉज वो हिंदू मुस्लिम सेपरेशन का रीज़न बना. सो हिंदूज एंड मुस्लिम्स बाय दिस एक्शन एंड दस वीकन द मोमेंटम ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग अमोंग द पीपल. जब ये सेपरेशन हुआ तो जो पॉलिटिकल अवेकनिंग, जो नेशनल यूनिटी नेशनल इंटीग्रिटी फॉर्म हो रही थी, वो थोड़ी वीकन हो गई, तो मतलब थोड़ी कमज़ोर हो गई. तो जो नेशनल लीडर्स, कॉमन पीपल्स, जो भी साधारण लोग जो भी थे, सबको समझ में आ गया कि इस पार्टीशन के पीछे क्या इंटेंशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और उन लोगों ने उसे अपोज किया इंटेंसली. ओके, नेक्स्ट इज बांग भांग मूवमेंट. जो मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो जब बंगाल का पार्टीशन हुआ उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो था बांग भांग. तो पीपल अपोज दिस इफेक्ट टू ब्रेक द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ बंगाल बाय रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्पलेट्स. तो लोगों को पता था कि ब्रिटिशर का इंटेंशन क्या है इस पार्टीशन को लेकर, तो लोगों ने क्या किया, इस ब्रेक जो यूनिटी को तोड़ने की कोशिश, जो नेशनल इंटीग्रिटी को ब्रेक करने की कोशिश की थी, उस कोशिश के खिलाफ इंडियन लोगों ने अपोज किया. कैसे, रैलीस निकाली, डेमोन्स्ट्रेशंस निकाले, उन्होंने पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, और एक वंदे मातरम सॉन्ग जो नॉवेल आनंद मत में लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, इट वो एक पॉपुलर स्लोगन की तरह उस टाइम पे उस प्रोटेस्ट के ड्यूरिंग
एक उभर के आते, बोलते ना पॉपुलर स्लोगन बन के आया, जो हर कोई इस नारे की तरह यूज़ कर रहा था। और नेशन वॉज स्वेप्ट बाय दी स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है लव टूवर्ड्स वंस नेशन। तो नेशन में हर जगह एक क्लियर स्ट्रॉन्ग वेव नेशनलिज्म की दिखी। तो बंगाल के लोग जो थे, उन्होंने उस जो पार्टीशन वाल इम्प्लीमेंट हुआ उस दिन को एक मॉर्निंग डे, मॉर्निंग डे मतलब एकदम दुखी डे की तरह सेलिब्रेट मीन्स ऑब्जर्व किया। और लोगों ने अलग अलग जगहों पे स्ट्राइक्स कंडक्ट की। रविंद्रनाथ टैगोर ने उस डे को डे ऑफ यूनिटी की तरह सेलिब्रेट करने का सजेशन दिया। सो दैट्स इट अबाउट बैंग बैंग मूवमेंट। नेक्स्ट वॉज स्वदेशी मूवमेंट। तो जो मूवमेंट्स हो रहे थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट, हमने जो देखा बैंग बैंग मूवमेंट, उसके अंडर ही एक क्या हुआ कि कुछ मूवमेंट्स और भी इंक्लूड हुए। उस मूवमेंट्स में फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि फर्स्ट वन टू ट्रेड एंड यूज़ इंडियन गुड्स ओनली, इंडियन गुड्स का ही यूज़ करना, यानी स्वदेशी गुड्स का यूज़। सेकेंड टू बॉयकॉट इम्पोर्टेड गुड्स, तो जो बाहर से इम्पोर्ट हो रही हैं उन गुड्स को बॉयकॉट करना, मतलब यूज़ ना करने का डिसीजन लिया। टू एक्वायर नेशनल एजुकेशन एंड बॉयकॉट द इंग्लिश एजुकेशन। और थर्ड डिसीजन था कि नेशनल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाएगी और इंग्लिश एजुकेशन को नहीं। और इस गोल को अचीव करने के लिए देर वॉज अ कमिटी विच वॉज फॉर्म्ड एंड द लीडर वॉज द मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। दे वर ऑल द रेनोवेंट लीडर्स हु वर लाइक हेड ऑफ द कमिटी दैट वॉज फॉर्म्ड टू अचीव द अबाव मैंशनड थ्री गोल्स। ओके, सो दे अर्ज इंडियंस, वो इंडियंस को बता रहे थे कि उन्हें फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना है, स्वदेशी गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। और इसके लिए वो यूज़ कर रहे थे मीडियम्स, न्यूज़पेपर, प्रोसेशंस, पब्लिक मीटिंग्स, फोक सॉन्ग्स, मतलब जो पीपल वर मेड टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजिंग स्वदेशी गुड्स। स्वदेशी गुड्स को यूज़ करने का क्या इम्पॉर्टेंस है वो समझाने के लिए दे वर यूजिंग डिफरेंट वेज। फैक्ट्रीज स्टार्ट हो रही थी जो सिर्फ स्वदेशी गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी, गुड्स लाइक टेक्सटाइल, सॉल्ट, शूज, शुगर, सिगरेट, टोबैको फ्रॉम इंग्लैंड डिक्रीज्ड, मतलब जो इंग्लैंड से जो चीज़ें इम्पोर्ट हो रही थी उन गुड्स पर बहुत सारा फ़र्क पड़ा, क्योंकि इंडियन कमोडिटीज़ ज़्यादा सेल हो रही थी और इंग्लैंड गुड्स वर नॉट बीइंग सेल्ड। ओके, सो स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया टू। तो बंगाल से जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में भी स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन। तो स्वदेशी मूवमेंट का जो मेन एजेंडा था उसमें एक था कि नेशनल एजुकेशन विल बी गिवन मोर इम्पॉर्टेंस देन स्वदेशी मूवमेंट। सो द थर्ड फीचर एसोसिएटेड विद स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट वॉज नेशनल एजुकेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स took an active part in bang bang movement. Students ने important part लिया था, active part लिया था जो bang bang movement था उसमें, और उस actions में against में इस वजह से government ने क्या किया था, British government ने, कि schools से students को निकाल रहे थे, fines दे रहे थे उनको, उन पर fines लगा रहे थे, expel कर रहे थे, उन्हें school से बाहर निकाला जा रहा था। तो उसको अपोज करने के लिए उन्होंने नेशनल स्कूल्स कॉलेजेस ओपन हुए। 1907 CE में 25 नेशनल सेकेंडरी स्कूल्स और 300 नेशनल प्राइमरी स्कूल्स बिकेम फंक्शनल इन बंगाल। बंगाल में ये इतनी स्कूल्स, नेशनल सेकेंडरी स्कूल और नेशनल प्राइमरी स्कूल्स फंक्शनल, मतलब स्टार्ट हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती स्कूल इन शांति निकेतन 1901 में स्टार्ट की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कोशिश की थी उसे साइड करने की बैंग बैंग मूवमेंट को, पर इंडियंस वर नॉट रेडी टू लेट इट गो सो इजीली। सो फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, दे डिसाइडेड टू कैंसिल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द ईयर 1911 CE।
ओके एंड वो एक हिस्टोरियल, एक मेमोरेबल विक्ट्री थी इन बंगाल के लोगों की कि उन्होंने एक पीसफुल वे में बिना किसी वायलेंस के अपना जो एम था वो अचीव किया. ओके ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्चुअली उन इंडियंस के आगे हार माननी पड़ी थी. नेक्स्ट राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. सो लीडर्स लाइक दादाबाई नवरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दिस पीपल बिलीव्ड इन एक्वायरिंग पॉलिटिकल राइट्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहकर पॉलिटिकल राइट्स को अचीव करना चाहते थे. सो उन्हें कहा जाता था मॉडरेट्स. Since they had adopted a moderate attitude as per the trend of time, तो जो modern attitude था उस time के time पर जो trend था उसके according ये लोग change हो गए थे. So moderates prepared a strong ground for national awakening by uniting the educated middle class. तो जो educated लोग थे उन्हें उनके बीच में एक unity form कर national awakening को ये importance देते थे moderates. They sowed the seed of self-rule, equality, democracy, freedom in the minds of Indian. Sowed the seed मतलब बीज बोना, self-rule के equality, democracy, freedom, ये सारे terms आप familiar हो, right? I think I should not explain these terms. You all are aware about it, right? So the outcome of their work formed a group of Indian youth who were enthusiastic, awakened and confident. तो इनका जो effort था उसके result में, outcome में क्या हुआ कि Indian youth का group form हुआ जो energetic थे, enthusiastic थे, अपने goal की तरफ एकदम गोल की तरफ मूव करने वाले अवेकन मतलब जागरूक और कॉन्फिडेंट यूथ का ग्रुप फॉर्म हुआ. सो दैट वाज द रेज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. मॉडरेट लीडर. सो इन कॉन्ट्रास्ट टू द मॉडरेट आइडियोलॉजी देयर वाज अ ग्रुप ऑफ थ्री लीडर्स. तीन लीडर्स थे, लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब लाल, बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र पाल एंड बिपिन चंद्र पाल फ्रॉम बंगाल पाल. तो दिस लीडर्स वांटेड टू एक्वायर द सेल्फ रूल नॉट एज अ फेवर बट एज देयर राइट. तो ये जो थ्री लीडर्स का ग्रुप था लाल बाल पाल, उनको सेल्फ रूल अक्वायर तो करना था, अचीव करना था, पर एक फेवर की तरह नहीं, मतलब एक मदद की तरह नहीं, उनके हक की तरह, एज देयर राइट्स. सो दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एग्रेशन एंड रेवोल्यूशन एंड हेंस दे वर कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट. तो यानी उनके अकॉर्डिंगली वो उनका हक था कि वो स्वराज्य सेल्फ रूल अचीव करे, किसी से फेवर लेकर, किसी से मदद लेकर नहीं. इसलिए वो जो पॉलिसीज फॉलो करते थे उसमें एग्रेशन था, एक रेवोल्यूशन एक बदलाव लाने की इच्छा थी, तो उन्हें एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता था. एक था मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट. सो वन बाय वन वी विल सी अबाउट द थ्री लीडर्स हु वर कंसिडर्ड टू बी एक्सट्रीमिस्ट. द फर्स्ट वन इज लोकमान्य तिलक. सो बाल गंगाधर तिलक हु वॉज पॉपुलरली नोन एज लोकमान्य तिलक was a prominent extremist leader. तो बाल गंगाधर तिलक जिनके बारे में हमने फर्स्ट इसके प्रीवियस पैरा में देखा था, he was popularly known as लोकमान्य तिलक. उन्होंने एक स्लोगन दिया था, स्वराज इज my birthright and I shall have it. यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लूँगा. He started the celebration of गणेश चतुर्थी, शिवाजी जयंती, उन्होंने टू न्यूज़पेपर्स केसरी इन मराठी, मराठा इन इंग्लिश स्टार्ट की थी. और इनकी इनसे जो इम्पैक्ट हुए थे, जो चेंजेस आए थे वो बहुत नोटवर्थी थे, मतलब एकदम नोट करने लायक थे. उन्होंने होम रूल मूवमेंट में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था इन द ईयर 1916 CE. नेक्स्ट वॉज लाला लाजपत राय 1856-1928. He was popularly known as Punjab Kesari, Sher-e Punjab. Okay, Lala Lajpat Rai was popularly known as Punjab Kesari and Sher-e Punjab.
एंड एक्चुअली ही वॉज बैडली बीटन, मतलब बुरी तरह से मार खाई थी उन्होंने लाठी चार्ज में जब वो साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड दैट वॉज द कॉज ऑफ हिज डेथ। उनके डेथ का एक रीज़न बना वो जो उन्होंने बुरी तरह से मार खाई थी लाठी चार्ज में वो। He quoted, "The government which attacks its own innocent subjects has no claim to be called as a civilized government. Bear in mind, such a government cannot survive for long. I declare that a blow struck at me will be the last nail in the coffin of the British rule in India." यानी उन्होंने कोट किया था, उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट अपने ही इनोसेंट लोगों को, सब्जेक्ट्स मतलब इनोसेंट लोगों को, बिना किसी कारण अटैक करती है, उन्हें कोई हक नहीं है कि वो अपने आप को सिविलाइज्ड गवर्नमेंट बुलाए। ओके, और ये माइंड में रखना कि अगर कोई गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगी। और उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि उन पर जो स्ट्रक, उन पर जो मार हुई, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने ही कफिन पे मतलब अपने ही कब्र पे लास्ट नेल डाली है। सो दैट वॉज वॉट ही कोटेड। नेक्स्ट इज बिपिन चंद्र पाल, 1858 टू 1932। ही वॉज अमॉन्ग दी ट्रायो, मतलब जो तीन लोगों का ग्रुप था जिन्हें एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, उसमें से एक पर्सन बिपिन चंद्र पाल पे थे, बाल एंड पाल, लाल बाल एंड पाल। एंड इनिशियली केम इन कॉन्टैक्ट विद ब्रह्मो समाज, उन्होंने एक वीकली न्यू इंडिया और एक न्यूज़पेपर वंदे मातरम भी स्टार्ट किया था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें एक्यूज़ करती थी कि वो यंगस्टर्स को प्रवोक करते थे, उनको प्रवोकिंग मतलब उकसाना गया, यानी वो यंगस्टर्स को उकसाते थे वायलेंट एक्टिविटीज़ यानी मारधाड़ करने के लिए। तो दैट इज़ वॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्यूज्ड हिम फॉर। ही वॉज इन फेवर ऑफ एक्वायरिंग स्वराज थ्रू रेवोल्यूशन, मतलब वो बदलाव के तरीके से स्वराज सेल्फ रूल को अक्वायर अचीव करना चाहते थे। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिसी अपनाई थी डिवाइड एंड रूल, ओके, द ब्रिटिशर्स हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। पर नेशनलिज्म भी ग्रो कर रहा था उस टाइम पे इंडिया में फास्ट तरीके से, एंड द ब्रिटिशर फाउंड इट नेसेसरी टू ब्रेक द नेशनल यूनिटी। तो ब्रिटिशर के पास एक ही रास्ता रह गया कि उन्हें नेशनल यूनिटी को किसी भी हालत में तोड़ना होगा। दे कुड सक्सेसफुली कन्विंस अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीडर्स इनटू फॉर्मिंग द मुस्लिम लीग, उन्होंने मुस्लिम लीडर्स को कन्विंस किया, उन्हें समझा बुझा कर एग्री करवाया नई पार्टी फॉर्म करने के लिए, मुस्लिम लीग। इट वॉज फॉर्म्ड इन ढाका इन 1906 CE। और जो रिलीजियस हेड थे मुस्लिम्स के, अगा खान, नवाब ऑफ ढाका सलीम उल खान, वायसराय मिंटो एंड हिज प्राइवेट सेक्रेटरी दुनलॉप स्मिथ, ये लोगों ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था मुस्लिम लीग को एस्टैब्लिश करने के लिए। सो इट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी विच वॉज टेकन अंडर द पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। नेक्स्ट, होम रूल मूवमेंट। सो बिटवीन 1916 एंड 1918, when the world war first was closing, jo prominent Indians the Joseph Baptista Mumbai Muhammad Ali Jinnah, Bal Gangadhar Tilak, G.S. Kharpade, Sir S. Subramaniam Iyer and the leader of the, तो ये जो रूल लोग थे उन लोगों ने डिसाइड किया कि एक नेशनल अलायंस फॉर्म करके सारी लीग्स जो भी पार्टीज थी उस टाइम पे इंडिया में, उन सब का सपोर्ट लेकर एक डिमांड करने की होम रूल की, यानी सेल्फ गवर्नमेंट की विद इन द ब्रिटिश एम्पायर फॉर ऑल इन इंडिया। और उस टाइम पे तिलक वॉज दी कन्फर्ड विद द टाइटल लोकमान्य, और उन्होंने एक वीकली लिखा द कॉमन विल इन द डेली न्यू इंडिया, उसमें एनी बिल्स ने अपील किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं उनके हाथ में, और होम रूल को ग्रांट करे टू इंडिया ताकि सेल्फ गवर्नेंस स्टार्ट हो सके इन इंडिया। तो जो दो पार्टीज थी मेन, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, बोथ सपोर्टेड होम रूल मूवमेंट। और जो एनी बेसेंट जिन्होंने ये वीकली निकाली लिखा था, ही वॉज कैप्ट इन होम अरेस्ट एट उत्तराखंड मंडला ऊटी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। होम अरेस्ट में रहना मतलब अपने घर में बाहर नहीं जाने की परमिशन,
किसी से मिलने के भी अलाउड नहीं होता, दैट इज़ व्हाट होमरिस्ट। और डेमोन्स्ट्रेशंस एंड प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, एंड फाइनली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एकदम उनको ये होम रूल परमिट करना पड़ा। सो दैट्स इट, द रेस्ट ऑफ द लेसन विल कम टू यू नेक्स्ट वीक। टिल देन मेक श्योर यू रीड द लेसन, एंड इफ देर इज़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।